रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेफ़ ताहिरा इशरत, आपकी होस्ट ऑल इन वन। जी, आज मैंने सोचा कि आप लोग से जो टॉपिक पे डिस्कशन की जाए वो है सीखना। सीखना क्या है? हम छोटी सी उम्र से पैदा होते ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सबसे पहले तो जाहिर है हर चीज़ जो हमें सिखाने वाली हस्ती होती है वो हमारी माँ होती है, फिर बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं हमारे, जो हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं। बच्चा पहले छोटा सा होता है, वो बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, और ये सीखना जो है फिर लड़कियाँ जैसे अपना चाय बनाना, खाना बनाना अपनी माँ से सीखती हैं, लड़के जो है अपने वाले साहब से सीखते हैं कि कैसे बाहर की सौदा लाना है, चीज़ें करनी हैं, और घर में कैसे अपनी अम्मी बहनों का और सबका, रिश्तेदारों का, सबका कैसे ख्याल रखना है। इसी तरह बच्चियाँ भी बाप की सलाह, माँ की सलाह, इन सबसे बहुत मिली जुली चीज़ें हम सीखते हैं। फिर स्कूल जाते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम उस्ताद से सीखते हैं, उस्ताद जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। फिर हम अपने गैदरिंग से सीखते हैं बहुत कुछ। अच्छा जी, गैदरिंग के बारे में मैं ये कहती चलूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों की गैदरिंग के बारे में बहुत सोच समझ के चलना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा किस में उठ रहा बैठ रहा है, क्योंकि अगर गैदरिंग गलत होगी तो गलत चीज़ें सीखेंगे। और ये सिर्फ बच्चे के लिहाज से नहीं है, इंसान किसी भी उम्र में हो, अगर उसने कहीं पे किसी भी वक्त गलत गैदरिंग में बैठ गया तो उसका असर होगा। अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छी चीज़ों का असर होगा। तो इसलिए हमारे लिए सीखना जो है, खैर हम अपने टॉपिक से नहीं हटते, सीखना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और कि अब मैं जैसे शेफ़ हूँ, मिसाल के तौर पे हमारा सीखना ख़त्म नहीं होता, ठीक है? अगर हम ये कहते जी हम सब जानते नहीं, हम किसी वक्त किसी से कुछ सीखते हैं, कल्चरल फूड होता है वहाँ के रहने वालों से सीखते हैं, अपने क्लासिकल फूड्स होते हैं वो हम अपने, जब लड़की एक घर पे होती है तो अपनी माँ से फूड सीखती है, और जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ के अपने सास वगैरह के जो है फूड और दूसरी चीज़ें सीखती है। तो इस तरह आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है सारी उम्र चलता रहता है, उम्र के साथ साथ हर नई चीज़ एक्सप्लोर होती है और हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब उनको कैसे देखना है, उसके लिए क्या चीज़ें देखनी है, क्या सीखना है कि आप कैसे इनको वो करें। और किसी भी उम्र के समय हम कुछ लोग गाड़ी जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग गाड़ी 30-40 साल की उम्र में भी सीख लेते हैं कि भाई हमने जब नहीं सीखी अब ज़रूरत पड़ी, अब सीखी। तो सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। तो आज मैं आपको ये बताती चलूँ कि जैसे मैंने अपनी कुकिंग का आगाज़ ज़ाहिर है अपनी माँ के किचन से किया था, तो आज मैं आपको उनके किचन में फिर से ले जा रही हूँ, और ये 3-4 दिन ये वीक मेरा जो है उनके साथ रहेगा। तो आगे इनकी आज की रेसिपी देखते हैं कि आज मेरी मम्मी आपके लिए क्या तैयार करेंगे। चलते हैं अपनी मॉम्स किचन। आज मैं एक दूसरी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आज मैं बना रही हूँ गोश्त की कढ़ी। ये हमारी सास की बताई हुई तरकीब है, ये हैदराबादी डिश है ये, क्योंकि हमारी सास हैदराबाद दक्कन की थी मरहूम। तो ये आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, मैं आपको बताती हूँ। ये कितना गोश्त कितने हैं बेटा, ये कितने ग्राम, क्या बोलते हैं, 1.5 पाउंड, 1.5 पाउंड ये मैंने बकरी का गोश्त लिया है, 1.5 पाउंड ये है, और क्या कहते हैं ये मैंने एक डली प्याज, ये इतनी प्याज को मैंने ये काट लिया है, एक डली प्याज डलेगी। और इसमें जो है ना ये अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून मैंने लहसुन का ये लिया है पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, और क्या कहते हैं ये मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक हसब ज़ायक़ा आप बाद में डाल सकती हैं या मैं देखूँगी चख के फिर डालूँगी, मगर अभी मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये 1.5 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्ची ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और क्या कहते हैं इसमें कड़ी पत्ता डलेगा, ये दो ये इसकी ये जो क्या कहते हैं डंटल कहते हैं ना, ये दो है ये डलेंगी, और इतनी इमली डलेगी, ये जो है ना ये इमली डलेगी इतनी, ये दिख रही है आपको, ये इमली अभी भिगोंगी मैं, ये डलेगी, मगर ये मैं जब बनाऊंगी जब बताऊंगी आपको, ये आखिर में डलेगी इमली। और फिर इसमें बेसन डलेगा, ये देखिए ये वाला चम्मच है ना,
ये चम्मच जो है ना, ये मैंने 1.5 लिया है ये बेसन। बाद में जब मैं आपको बताऊंगी ना तरकीब, तो फिर ये पानी में भिगो के डालूंगी मैं, उसमें ऐड करूंगी, फिर आप देखिएगा जब मैं बनाऊंगी। और फिर इधर आ जाइए, ये एक एक कप ये तेल है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये 1 कप तेल है। और ये 1 टीस्पून जो है ना गरम मसाले आखिर में डालेगा, जब ये रेडी हो जाएगी तो 3-4 मिनट पहले ये ऊपर से डालूंगी मैं, ठीक है। चलिए अब हम ना रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। हाँ देखिए, अब मैं शुरू कर रही हूँ बनाना। ये मैंने क्या कहते हैं, गोश्त की कढ़ी बना रही हूँ मैं। ये तो मैंने भगोना रख दिया है चूल्हे पे, ये अब गर्म हो गया। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ ऑयल डाल। ये 1 कप जो मैंने ऑयल लिया था ना, ये मैं इसमें बिस्मिल्लाह डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, रुक जाए, थोड़ा गर्म हो जाए ना। हाँ देखिए, अब मैं जो है ना, तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें जो है ना प्याज, ये 1 डली जो मैंने काट कर रखी ना प्याज डाल दी है इसमें। बस इसको ज़्यादा कुछ भी नहीं करते, बस ये प्याज मैंने डाल दी है। अब उसके फ़ौरन ही बाद में इसमें जो है ना गोश्त डाल दूँ, ये जो मैंने गोश्त निकाल के रखा ना, ये डाल दूँगी अब। इसके साथ ही मैं इसमें ये अदरक लहसुन भी डाल दूंगी जो निकाल कर रखा था ना मैंने, ये डाल दूंगी। ये इसी तरह पकता है, जैसे मैं बता रही हूँ सेम इसी तरह ही पकेगा ये। इसकी ये गोश्त की कड़ी का ये तरीका है ये गोश्त। अब इसको ज़रा सा मैं भूनूंगी, कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं उसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले भी बहुत सादे हैं, तो ज़्यादा कोई मसाले नहीं पड़ते इसमें। ये तो जल्दी, बहुत ही जल्दी गोश्त का कलर चेंज होने लग गया देखते देखते। अब बना के देखिएगा ये वाला सालन। हाँ अब देखें, ये सालन ये जो मैंने, ये अब इसका कलर चेंज हो गया। बस थोड़ी देर, ये जो ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट लगे हैं ये इस तरह होने में, बस इतना टाइम लगा है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ, ये जो मैंने निकाल के रखे थे ना, ये अपना ये नमक मिर्ची और हल्दी यही डलेगा। इसकी भी बड़ी अच्छी स्मेल आना शुरू हो गई। हर चीज़, हर सालन की स्मेल आती है ना। जब आप पकाएंगी तो आपको भी आएगी ऐसी। हाँ अब ये बस ज़रा सा ये भुन जाएगा ना, ज़रा ये मसाला भुन जाएगा तो मैं इसमें गोश्त गलने के लिए पानी डाल दूँगी। 1 गिलास भर के पानी डालूँगी, ये गल जाएगा फिर। ये कम से कम ये 35-40 मिनट लगेंगे गोश्त गलने में, क्योंकि मैं भगोने में ही बना रही हूँ ना, इससे 40 मिनट बाद फिर जो है ना ये गल जाएगा। तो बाकी फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह इसको करना है ना। हाँ अभी देखा मैं इसमें ये जो मैंने कड़ी पत्ता रखा था, धो लिया था इसको बेटे, खुला हुआ है ना। हाँ ये कड़ी पत्ता, ये 2 डंठल है ना, ये इसमें अभी डालूँगी। हाँ बस अब ये ज़रा सा ये 2-4 मिनट ये ज़रा सा इसका मसाला भुन जाए ना, फिर मैं पानी डालती हूँ, फिर बताती हूँ आपको पानी कितना डलेगा गलने के लिए, ठीक है। फिर आती हूँ मैं, ओके। हाँ अब देखिए ये भुन गया ना अच्छी तरह, पानी इसका खुश हो गया, मसाला भी भुन गया। अब मैं इसमें कितना गोश्त गलेगा उतना मैं आपको पानी डाल के बता रही हूँ। तो ये क्या कहते हैं, ये कप है, इस कप से मैं ले रही हूँ। 1 कप मैंने डाला, मगर मेरे ख्याल से 1 कप और लगेगा, ठीक है। तो 2 कप पानी डलेगा ये वाले कप से, 2 कप। ये कप तो इस तरह 2 कप पानी हो गया इसमें, ये गलने के लिए गोश्त। बस अब मैं इसको ढक्कन बंद करके 40 मिनट के बाद ही खोलूँगी, तो इंशाल्लाह गोश्त गल चुका होगा। फिर दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह डालूँगी, ठीक
ठीक है, अब मैं बंद कर देती हूँ उसके ऊपर ढक्कन। और चूल्हा भी जो है ना, जरा इसको दरमियाना रखेंगे, दरमियाना देखें, इतनी आंच पे पकाएंगे, इतनी आंच पे ये बनेगा। हाँ, चलिए अब फिर हम, अस्सलाम वालेकुम। अब आ गई हूँ, अब हमारा गोश्त गल चुका होगा, अब मैं ढक्कन खोल रही हूँ। अब देखिए आप, इस तरह की इसकी शक्ल नज़र आ रही है, देखें कितना अच्छा गल गया, अब लग रहा है कि पूरा गल गया है। हाँ, चेक भी कर लेती हूँ मैं आपके सामने एक बोटी निकाल के। हाँ, ये गल गया, बोटी बिल्कुल महीन हो गई है, गल गया, उछल के गिर गई। अब देखें ये इस तरह हो गया ना, ये खुश्क हो गया पानी। अब इसमें जो है ना, अब मैं इसमें ना वो इमली का पानी डालूंगी अब, ठीक है, जो मैंने भिगो के रखी है ना इमली। ये देखिए ये इमली है ना, ये मैंने भिगोई थी, आपको बताई थी ना। अब ये पानी इसमें ऐड करूंगी मैं, ज़रा मैं इसको मिक्स कर लूँ। हाँ, ये इमली का पानी मैंने पहले भी डाला था ना, ये अब पानी और डाल के अब इतना और डाल। हाँ, अब देखिए हमने इमली का पानी डाल दिया था ना, वो इमली का पानी पक चुका है, अब ये पानी पक चुका है। अब हम इसमें जो है ना, अब बेसन ऐड करेंगे, बेसन को बेसन घोल के पानी में अब वो ऐड करेंगे। ये ऐसे ऐसे हो गया, ये अब बेसन ऐड करना है। अब देखिएगा आप, मैं ये बेसन है ना, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया था ना, 1.5, तो ये अब इसमें मैं पानी मिला के इसको घोलूंगी। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, इसको घोल रही हूँ। अब मैं इसको हाथ से घोल लेती हूँ, ज़्यादा सही है, एक फुटकियाँ होती है ना, हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं ना ढक्कन खोल रही हूँ, वो बेसन डाल दिया था ना मैंने घोल के, अब उसके बाद ये ऐसा हो गया, मगर अब मैंने इसमें चम्मच मिला। हाँ, ये रेडी हो गया है, मगर मुझे ना तेल कम लग रहा है क्योंकि ऊपर तराई आई नहीं है, तो अब मैं जो हूँ ना, ये आधा, ये मैंने इतना तेल लिया, ये डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ज़रा तराई आना चाहिए। हाफ कप लिया ये डाल रही हूँ इसमें, ताकि ज़रा तराई हो तो खुश रंग नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है सालन।
तो बेसन की वजह से तेल कम पड़ गया असल में बेसन डालने के बाद। अभी हमने आपको डाल दिया है, अब इसको बस अब ये चख के देखते हैं नमक इसमें, गरम मसाला डाला था ना उसकी तेज़ी चख के देखते। बिल्कुल सही है गरम मसाले की, देख सदफ इतनी तेज़ी बस है ना, वरना सीने में जलन होती ना। सही है ना, हम ऊपर से रख देंगे अगर किसी को डालना है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। नहीं बिल्कुल सही है, तो बस ये अब रेडी हो गया। अब मैं इसको जो है ना 2-4 मिनट बस ये ज़रा तेल पकने तक चूल्हे पे रखती हूँ इसी धीमी आंच पे, फिर मैं डिश आउट करूँगी। ठीक है, अब तो मैं डिश आउट कर रही हूँ अब अपनी ये डिश को बनी हुई है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ज़रूर बनाइएगा आप लोग, आपको बहुत पसंद आएगी ये इंशाल्लाह ताला। गोश्त इतना गल गया कि हड्डी भी छोड़ दिया। सही है, बस इतना अब काफी है। चल ये देखिए अभी हमारी रेडी हो गई। हाँ ये देखिए, ये मैंने डिश आउट कर दी, ये तैयार हो गई। अब आप इसको जो है ना रोटी के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सफ़ेद चावल के साथ और बघारे चावल के साथ, सबके साथ खा सकते हैं, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलो फिर आगे हम दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।